नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक सड़क पर रुकवाया अपना काफिला। देखकर कमांडो हुए हैरान। 43वीं बार काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 किलोमीटर तक रोड शो जैसा माहौल, जनता ने लगाए जय श्री राम के नारे। 27 किलोमीटर तक जनता ने फूल बरसाए। एयरपोर्ट से बेरका गेस्ट हाउस के बीच करीब 27 किलोमीटर तक 6 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पूरा नज़ारा रोड शो जैसा रहा। काशी और उत्तर प्रदेश की जनता को 13,202 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए बृहस्पतिवार की रात 10 बजे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43वीं बार वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। फिर पीएम सड़क मार्ग से बरेका गेस्ट हाउस तक पहुंचे। एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस के बीच करीब 27 किलोमीटर तक 6 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। जय श्री राम के नारे लगाए गए। पूरा नजारा रोड शो जैसा रहा। भाजपा कार्यकर्ता और शहरवासियों ने जगह जगह फूल बरसाए। ढोल नगाड़ों के बीच जय श्री राम और हर हर महादेव का जयघोष किया। इससे प्रधानमंत्री गदगद दिखे और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हैं। देर रात तक उनका विशेष विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर पुष्पों की वर्षा की जाने लगी। एयरपोर्ट से बरेका के बीच 6 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अंदाज में स्वागत किया गया। बाबरपुर चौराहे पर बना राम दरबार आकर्षक केंद्र रहा। यहाँ राम नाम की धुन बजी। पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे तो मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम के लिए सर्किट हाउस पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को संत शिरोमणि रविदास की जन्मस्थली जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। यहाँ श्रद्धालुओं के साथ संगत कर उनकी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, विजन सभा भी करेंगे। इससे पहले पीएम बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इसी कार्यक्रम में संस्कृत विद्यालय के बटुकों को वस्त्र पुस्तिका व वाद्य यंत्रों का किट भी देंगे। काशी पर आधारित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के 11 विजेताओं के साथ फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई खियाव जाएंगे, वहां भी जनसभा करेंगे। वहां पूर्वांचल के 1 लाख से ज्यादा किसानों की मौजूदगी में 13,000 करोड़ से ज्यादा की 36 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यू भारत।